फिल्मों में कमाई के जिक्र हो और बाहुबली कंक्लूजन का नाम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रिलीज के पहले ही दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली बाहुबली वैश्विक संग्रह के आंकड़े 1500 करोड़ पार कर चुकी है। लेकिन अब एक ऐसी बात सामने आई है जो आपको चौंका देगी। दरअसल बॉलीवुड में 2001 में एक ऐसी फिल्म आई थी जो अभी भी कमाई के मामले में बाहुबली से काफ़ी आगे है। उस दौर में तहलका मचाने वाली ये फिल्म गदर एक प्रेम कथा थी। जी हाँ, सनी देओल की अभिनीत यह फिल्म का जलवा आज भी बरकरार है। फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा का मानना है कि बाहुबली अभी उनकी फिल्म गदर के मुकाबले कुछ भी नहीं है। यह दावा उन्होंने खुद किया है। गद्दर सहित कई हिट फिल्म दे चुके अनिल शर्मा ने बाहुबली 2 के 1000 करोड़ से ज़्यादा की अधिक कमाई करने के रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह वक्त वक्त की बात है। गद्दर 2001 में रिलीज हुई थी, तब फिल्म ने 265 करोड़ का कारोबार किया था। तब टिकट का दर 25 रुपये थी। आज के आधार पर जोड़ा जाए तो यह करीब 5000 करोड़ रुपये होता है। और बाहुबली 2 ने अब तक सिर्फ 1500 करोड़ का कमाई किया है, इसलिए इसने कोई अभी तक रिकॉर्ड नहीं बनाया है।